कंप्यूटर्स डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। आप अपने कंप्यूटर पर तारीख और वक्त को तब्दील कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप पर कोई तस्वीर आए तो आप अपनी मर्जी की तस्वीर अपने डेस्कटॉप पर लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे करना है। सिस्टम ट्रे में जहाँ आपको वक्त लिखा हुआ नजर आ रहा है वहाँ हम क्लिक करते हैं। आपके सामने एक विंडो खुल गई है जिसमें दाएं जानिब एक घड़ी बनी हुई है और देखिए इसमें सेकंड्स वाली सुई हरकत भी कर रही है और उसके नीचे वक्त भी लिखा हुआ आ रहा है। बाएं जानिब पर ये एक कैलेंडर बना हुआ है जिसमें आज की तारीख नीले रंग के डब्बे से नुमाया है या हाइलाइटेड है। अब हम इस विंडो के नीचे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर डेट एंड टाइम के टैब में वही घड़ी आपको नजर आ रही है। इसके नीचे चेंज डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं। जो विंडो अब आपके सामने है आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूदा वक्त 11:40 हो रहे हैं। हम इसको तब्दील करके 12:40 कर रहे हैं। यहाँ से आप बाएं जाने बने हुए कैलेंडर से तारीख, महीना और साल चूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप अपने कंप्यूटर पर किसी भी किस्म की आवाज सुन सकते हैं, इसलिए आपको आवाज कम या ज्यादा करनी पड़ सकती है। ये काम करने के लिए हमको क्या करना है आइए सीखते हैं। आप सिस्टम ट्रे में एक स्पीकर बना हुआ देख सकते हैं। इस स्पीकर पर क्लिक करने से आपके सामने एक स्लाइडिंग बार आ जाती है। इस बार को ऊपर करने से आवाज ज्यादा हो जाती है और नीचे करने से आवाज कम हो जाती है। अब हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं। आपके सामने ये एक छोटी सी लिस्ट आ गई है। हम इस लिस्ट में मौजूद सबसे आखिरी ऑप्शन पर्सनलाइज पर क्लिक करते हैं। आप अपने सामने एक विंडो देख सकते हैं। इस विंडो में ऊपर चेंज द विजुअल्स एंड साउंड्स ऑन योर कंप्यूटर लिखा हुआ है और इसके बिल्कुल नीचे बॉक्स में बहुत सारे थीम्स दिए गए हैं। हर थीम में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडो कलर, साउंड्स और स्क्रीन सेवर पहले से तयशुदा डिजाइन के साथ दिए गए हैं। इस वक्त इस कंप्यूटर पर विंडोज 7 की थीम अप्लाई की हुई है जो इस वक्त सेलेक्टेड है। इस थीम के मुताबिक कंप्यूटर के डेस्कटॉप बैकग्राउंड, विंडो कलर और साउंड्स जो सिलेक्टेड हैं वो हमें इस बॉक्स के नीचे यहाँ नजर आ रही हैं, जबकि स्क्रीन सेवर इस डिजाइन में शामिल नहीं है, इसलिए इसके नीचे नन लिखा नजर आ रहा है। अब हम इसमें से आर्किटेक्चर की थीम पर क्लिक करते हैं तो देखें नीचे दिए गए डिजाइन्स बदल गए हैं। इसके अलावा अगर इस विंडो को मिनिमाइज करें तो देखें इस कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर लगी हुई तस्वीर बदल गई है। तस्वीर के साथ साथ इस थीम के डिजाइन के मुताबिक साउंड्स और विंडो कलर भी तब्दील हो चुका है। नीचे दी गई हर ऑप्शन में से हम अलहदा अलहदा चेंजेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन आती है इस पर लिखा हुआ है चूज योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। नीचे बॉक्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज के नीचे तस्वीर नजर आ रही हैं। ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में किसी भी तस्वीर पर क्लिक करने से वो तस्वीर सिलेक्ट हो जाती है। लिस्ट में बाकी तस्वीर को देखने के लिए हम स्लाइडिंग बार को नीचे ले जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये सारी तस्वीर बारी बारी हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर तब्दील होती रहे तो हम सेलेक्ट ऑल के इस बटन पर क्लिक करते हैं और नीचे दी गई चेंज पिक्चर एवरी ऑप्शन पर जाते हैं।
इसके नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम 10 सेकंड्स पर क्लिक करते हैं। अब सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह आपके मॉनिटर स्क्रीन पर हर 10 सेकंड्स के बाद तस्वीर बदलती रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो सारी तस्वीर जो आपने सेलेक्ट की थीं, बारी बारी डेस्कटॉप पर तब्दील हो रही हैं। इस लिस्ट के ऊपर एक बटन है जिस पर ब्राउज लिखा है। इस बटन को दबाकर आप अपनी मर्जी की तस्वीर भी ला सकते हैं। बॉक्स के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसके ऊपर पिक्चर पोजीशन लिखा हुआ है। इस मेन्यू में 5 ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर फिल लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने से तस्वीर मॉनिटर पर पूरी पूरी आ जाती है। इस लिस्ट की दूसरी ऑप्शन पर फिट लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने से तस्वीर अपने असल साइज में आ जाती है। और अगर तस्वीर मॉनिटर की स्क्रीन से छोटी हो तो स्क्रीन के दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे काली जगह रह जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तीसरी ऑप्शन स्ट्रेच की है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रेच का मतलब खींचना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही कंप्यूटर तस्वीर को खींचकर स्क्रीन पर पूरा कर देती है। चौथी ऑप्शन टाइल की है। इस पर क्लिक करने से पिक्चर अगर छोटी हो तो कंप्यूटर उसी साइज की तस्वीरों से मॉनिटर की स्क्रीन भर देता है। पांचवी और आखिरी ऑप्शन सेंटर की है। इसका मतलब यह है कि इस ऑप्शन के तहत तस्वीर मॉनिटर की स्क्रीन के दरमियान में आ जाएगी और अगर तस्वीर छोटी हो तो मॉनिटर की स्क्रीन का कुछ हिस्सा खाली होने की वजह से ब्लैक नजर आएगा। फिलहाल हम पहली ऑप्शन फिल को सेलेक्ट करते हैं और सेव चेंजेस के बटन को प्रेस कर देते हैं। हमारे सामने फिर वही पहले वाली विंडो है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड से अगली ऑप्शन विंडो कलर की है, जो इस वक्त स्काई सिलेक्टेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं। विंडो कलर दरअसल जो भी विंडो आप ओपन करते हैं उसकी टाइटल बार और स्क्रीन की बॉर्डर्स का कलर है। इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार का कलर भी वही होगा जो विंडो के बॉर्डर्स का होगा। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो नई विंडो हमारे सामने आ गई है। इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशन दी गई हैं। हम यहाँ से चॉकलेट कलर पर क्लिक करते हैं तो देखें स्टार्ट मेन्यू, विंडो और टास्क बार का कलर तब्दील होकर चॉकलेट कलर हो गया है। इसके नीचे एनेबल ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन है। इसके साथ बने हुए डब्बे पर क्लिक करने से टास्क बार, विंडो बॉर्डर्स और स्टार्ट मेन्यू ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी इनके पीछे जो भी आइटम या विंडो होगी वो भी किसी हद तक नजर आने लगती है। इस ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है, जैसा कि हम कलर इंटेंसिटी के सामने इस बार को माउस की मदद से कम और ज्यादा कर रहे हैं। इसके मजीद नीचे आप देखें शो कलर मिक्सर की ऑप्शन है। इसके साथ बने हुए इस एरो पर क्लिक करने से हमारे सामने 3 स्लाइडिंग बार्स आ जाती हैं। यहाँ से हम अपनी मर्जी से स्टार्ट मेन्यू, विंडो और टास्क बार का कलर बना सकते हैं। फिलहाल हम सेव चेंजेस पर क्लिक करके वापस पहले वाली विंडो पर आ जाते हैं। इस विंडो में हमारे सामने अगली ऑप्शन साउंड की है। इस वक्त इसके नीचे डिफॉल्ट विंडोज लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने साउंड का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। नीचे दी गई टैब्स में से साउंड की टैब में मुख्तलिफ साउंड स्कीम्स दी गई हैं। साउंड स्कीम्स से मुराद ये है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है या जब हम कंप्यूटर में मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं
تو بعض مواقع پر ہمیں کمپیوٹر سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ساؤنڈ اسکیم کے نیچے دیے گئے اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ہم آفٹرنون کی اسکیم کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت نیچے پروگرام ایونٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ایونٹس پر کس طرح کی ساؤنڈ ہمیں سنائی دے گی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن ایونٹس کے ساتھ اسپیکر کا نشان بنا ہوا ہے ان کے کرنے سے وہی ساؤنڈ آئے گی، اور جن کے ساتھ اسپیکر کا نشان نہیں بنا ہوا اس کے ساتھ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے کوئی ساؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم اس ایونٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ساؤنڈز کے نیچے اس ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ایک ساؤنڈ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس ایونٹ کے ساتھ بھی اب ایک اسپیکر بنا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اسپیکر ابھی یلو کلر میں ہے۔ اب ہم اپلائی کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ نارمل کلر میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر میں مختلف کام کرنے پر ہم اپنی مرضی کی آڈیو یا ساؤنڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہم اوکے کے بٹن کو پریس کر کے پہلے والی ونڈو کی طرف آتے ہیں۔ اس ونڈو میں نیچے دائیں جانب اسکرین سیور کی آپشن ہے جس کے نیچے نن لکھا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم اسکرین سیور کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اسکرین سیور ہماری اسکرین کو محفوظ رکھنے کے کام آتا ہے۔ ہم اسکرین سیور کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین سیور سیٹنگز کا ڈائیلاگ باکس ہے۔ اس میں آپ ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر اسکرین سیور لکھا ہوا ہے۔ اس ڈراپ ڈاؤن مینیو میں موجود پہلی آپشن پر کلک کرنے سے اوپر بنے ہوئے مانیٹر پر ونڈوز 7 لکھا ہوا آ گیا ہے۔ یہ ٹیکسٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہل بھی رہا ہے۔ اسکرین سیور لسٹ کے سامنے دو بٹن بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے بٹن پر سیٹنگز لکھا ہوا ہے اور دوسرے بٹن پر پریویو لکھا ہوا ہے۔ ہر بٹن کے لیے سیٹنگز مختلف ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو کوئی ایک آئٹم سلیکٹ کر کے اس کی سیٹنگز دکھاتے ہیں۔ سیٹنگز کے ساتھ والے بٹن پر پریویو لکھا ہوا ہے۔ اب ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسکرین سیور ہم نے لسٹ میں سے سلیکٹ کیا تھا اور جو سامنے بنے ہوئے مانیٹر پر نظر آ رہا تھا، وہ اب ہماری پوری اسکرین پر آ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریویو کا بٹن دبانے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسکرین سیور ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہماری اسکرین پر کیسا لگے گا۔ ہم جیسے ہی اپنے ماؤس کو ہلاتے ہیں، ہمارے سامنے آیا ہوا اسکرین سیور غائب ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے اسکرین سیور کو اسکرین سے ہٹانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ ہم ماؤس کو ہلانے کے بجائے اگر اپنے کی بورڈ کی کوئی کی دبا دیں تو بھی اسکرین سیور غائب ہو جاتا ہے۔ ان بٹنز کے نیچے ویٹ کے سامنے ایک منٹ لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم اپنے کمپیوٹر پر ایک منٹ تک کوئی کام نہیں کرتے تو کمپیوٹر پر اسکرین سیور آٹومیٹیکلی چلنے لگ جائے گا۔ ہم یہاں سے ان ایروز کی مدد سے اس کا دورانیہ بڑھا بھی سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا دورانیہ 5 منٹ تک کر دیا ہے۔ اب ہم اپلائی کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں اور واپس پہلے والی ونڈو پر آ جاتے ہیں۔ اس ونڈو کے بائیں طرف ایک پین نظر آ رہی ہے جس میں مزید آپشنز دی گئی ہیں۔ آپ ان میں سے ہر ایک پر کلک کر کے مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم ڈسپلے کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک اور اسکرین اوپن ہوئی ہے۔ اسکرین کے بائیں طرف سے ہم چینج ڈسپلے سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور اسکرین کھل جاتی ہے۔ سب سے پہلے ڈسپلے کے سامنے ہمارے مانیٹر کا ماڈل
सिलेक्टेड है। इसके नीचे रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, जो कि दरअसल स्क्रीन एरिया और स्क्रीन क्वालिटी के मुताल्लिक है। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन की क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के सामने बना हुआ ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलने पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम हर एक को बारी बारी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऊपर बने हुए LCD मॉनिटर में स्क्रीन एरिया के अंदर होने वाली तब्दीली को देख सकते हैं। रेजोल्यूशन के नीचे ओरिएंटेशन की ऑप्शन दी गई है। इसमें भी 4 ऑप्शंस दी गई हैं, जिनको बारी बारी तब्दील करके हम LCD मॉनिटर में प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप मजीद ऑप्शंस देख सकते हैं। दाएं तरफ नीचे एडवांस्ड सेटिंग्स लिखा हुआ है। इस पर हम उस वक्त क्लिक करते हैं जब हम कंप्यूटर की इंटरनल या अंदरूनी सेटिंग्स को तब्दील करना चाहते हैं। मगर क्योंकि अभी हम कंप्यूटर की इंटरनल सेटिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते, लिहाजा हम इस बटन पर क्लिक नहीं करेंगे। यूज अवेलेबल हेल्प फंक्शंस। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कंप्यूटर पर काम करते हुए कहीं फंस जाएं या कोई काम गलत कर दें तो हम किस तरह मदद हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं। जो विंडो हमारे सामने आई है, अब आप कीबोर्ड की F1 की प्रेस करें। जो विंडो हमारे सामने खुली है उसके टाइटल बार में विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट लिखा हुआ है। इस विंडो के नीचे वर्किंग विद कंप्यूटर फोल्डर लिखा हुआ है। स्क्रॉल बार की मदद से नीचे इस सिलसिले में मजीद आइटम्स देखे जा सकते हैं। हम इसमें से किसी आइटम पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही इस आइटम के बारे में तमाम तफसील आ चुकी है। समरी। इस लेसन में हमने सीखा कि कंप्यूटर को किस तरह ऑन या ऑफ किया जाता है, कंप्यूटर को किस तरह पावर बटन दबाए बगैर रीस्टार्ट किया जाता है, किस तरह किसी डायलॉग बॉक्स या विंडो को बड़ा, छोटा या क्लोज किया जाता है, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड बार क्या होते हैं, कंप्यूटर की बुनियादी खसूसियात जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और रैम वगैरह क्या होती है, कंप्यूटर की डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशंस जैसे बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर्स और डेस्कटॉप एरिया वगैरह को किस तरह तब्दील किया जाता है।